ये तो हम सभी जानते हैं कि इलियाना डिक्रूज ने अनुराग बासु के निर्देशन में बनी फिल्म बर्फी से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसमें वो रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आई थीं और तीनों की ही जमकर तारीफ हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इलियाना ने सलमान की फिल्म को रिजेक्ट किया था? जी हाँ, इलियाना डिक्रूज के पास सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉन्टेड का प्रपोजल गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये बात खुद इलियाना ने ही बताई है। इलियाना ने बताया कि उनके पास वांटेड फिल्म का प्रस्ताव गया था, लेकिन वो उस समय वो फिल्म नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें ये फिल्म ठुकरानी पड़ी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी समझौता नहीं करना चाहती थी। इलियाना ने बताया कि उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा था कि यह सलमान की फिल्म है या इसका डायरेक्टर कौन है। मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर था। बहरहाल आपको बता दें कि इलियाना हाल ही में अजय देवगन के साथ बादशाहों में नजर आई थी। हालांकि फिल्म ने कलेक्शन ठीक ठाक किया, लेकिन तब भी हिट लिस्ट में नहीं आ सकी ये फिल्म। आइए नजर डालते हैं उन एक्ट्रेस पर जो सलमान के साथ एक बार नजर आई और फिर नहीं दिखे साथ, और साथ में वो एक्ट्रेस जिन्होंने सलमान के साथ काम करने से मना किया। अमृता राव। खबरों की माने तो अमृता को प्रेम रतन धन पायो में सलमान की बहन का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सोनाली बेंद्रे। हम साथ साथ हैं में एक साथ काम करने के बाद सोनाली और सलमान की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन बाद में दोनों की कई और फिल्में साथ आने की खबरें आईं, लेकिन कभी साथ नजर आ न सके। ट्विंकल खन्ना। जब प्यार किसी से होता है फिल्म में दोनों साथ दिखे थे, लेकिन बाद में ट्विंकल कभी सलमान के साथ नजर नहीं आई। अमीषा पटेल। ये दोनों ये है जलवा फिल्म में साथ नजर आए थे, लेकिन बाद में सलमान और अमीषा कभी साथ नहीं दिखे। जूही चावला। वहीं जूही चावला और सलमान दोनों दीवाना मस्ताना में नजर आए थे, लेकिन इसके बाद कभी साथ नजर नहीं आए। उर्मिला मातोंडकर। डनम समझा करो से इस जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन बाद में ये दोनों कभी साथ नजर आए। दीपिका पादुकोण। वहीं दीपिका पादुकोण ने तो सलमान की एक नहीं बल्कि पांच से ज्यादा फिल्में रिजेक्ट की हैं। किक दो में आने की थी खबरें। पिछले दिनों खबरें खूब आई थी कि दीपिका किक दो में सलमान के साथ नजर आ सकती हैं, लेकिन अब वो खबरें भी ठंडे बस्ते में चली गईं।